द्वारा निर्देशित ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर उसी सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देने के लिए चलाई जा रही प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। सदर बाजार स्थित पीएससी के सभागार में 6 मासिक ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसका आज अंतिम दिन था। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक डॉक्टर एके बरुआ को विदाई दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण चिकित्सक सह चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम निवास सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित कर बड़ा पहल किया है, इसका दूरगामी परिणाम आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसके लिए आभार भी प्रकट किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक भी मौजूद थे। आज प्रशिक्षण का अंतिम दिन है और विदाई समारोह है। जितने प्रशिक्षक महोदय हैं और जो पदाधिकारी हैं, सबों ने मिलकर विदाई समारोह किया है। आज संगठन का 18वां वर्ष है और जो इस परिश्रम से जो मिला है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो हुआ है, उस प्रशिक्षण का आज अंतिम दिन है और इसी की खुशी में यहाँ के सभी प्रशिक्षणार्थी विदाई समारोह का आयोजन किए हैं। इसी शुभ अवसर पर यह सारा कार्यक्रम आयोजित है। सर, आपका शुभ नाम? श्रीनिवास सिंह, ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के माननीय डॉक्टर एलबी सिंह और बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद बधाई देते हैं। आज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रशिक्षण का अंतिम दिन है और अंतिम दिन सभी प्रशिक्षणार्थी मिल करके कुछ ऐसा आयोजन किए हैं। इस आयोजन से हम बहुत धन्य हैं और इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर श्रीनिवास बाबू भी मौजूद हैं और मैं इन लोगों को आश्वासन भी दिया हूं और कमिटमेंट भी किया हूं कि बीच बीच में जब भी आपको ज़रूरत पड़े, प्रशिक्षण का समापन न हुआ है, हम लोगों का समापन नहीं हुआ है, हम लोग हमेशा एक दूसरे से वार्ता करते रहे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर एके बर्नवाल है, सदर पीएससी सुपौल।